बेंटन का मुझ जैसा फैन स्टिंग फ्लाई जैसे एलियन का तो नाम जानता ही होगा, जो कि अपनी सुपर पावर्स की वजह से हम फैंस के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस था। पर भाई इस अमेजिंग एलियन की ओरिजिन और यहाँ तक कि इसके होम वर्ल्ड के बारे में कभी बेंटन की सीरीज में कभी बताया नहीं गया, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा स्टिंग फ्लाई की पूरी ओरिजिन और इसके सभी सुपर पावर्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई स्टिंग फ्लाई जो कि एक लेपरोड्रॉप्टर है और उसका होम वर्ल्ड लेपरोड्रॉप्टर है जो कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ही ज्यादा स्मेलिस्ट प्लेनेट है। पर सारे लेपरोड्रॉप्टर्स के पास खास तरह की पावर होती है जो टॉक्सिक सलाइवा और यहाँ तक कि पॉइजनस गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि सारे लेपरोड्रॉप्टर्स 360 डिग्री तक देख सकते हैं। और भाई सारे लेपरोड्रॉप्टर्स के पास इतना ज्यादा स्टैमिना होता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं और उसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा स्पीडली उड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी लेपरोड्रॉप्टर्स हैं उनकी जो टेल है वो बहुत ही ज्यादा शार्प और नुकीली है जिसकी वजह से लेपरोड्रॉप्टर्स किसी भी तरह के स्टील को दो हिस्से में काटने की ताकत रखते हैं। और यहाँ तक कि इन एलियन प्रजाति की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि अपने से दुगने वजन को इधर से उधर उड़ा के ले जा सकते हैं। पर इतनी सारी खास पावर होने के बावजूद भी लेपरोड्रॉप्टर्स की कुछ कमजोरी भी है, जैसे कि लेपरोड्रॉप्टर्स आग के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि अगर लेपरोड्रॉप्टर्स के पंख पानी में भीग जाए तो उसकी वजह से लेपरोड्रॉप्टर्स तब तक नहीं उड़ सकते जब तक पंख सूख न जाए। तो भाई ये तो बात होगी लेपरोड्रॉप्टर्स की, अब बात करते हैं स्टिंग फ्लाई की, जिसे हमें बेंटन क्लासिक के सेकंड एपिसोड वाशिंगटन बीसी में दिखाया गया था, जहाँ पे स्टिंग फ्लाई ने डॉक्टर एनिमो के सारे म्यूटेंट एनिमल को हराया था। और इसके बाद स्टिंग फ्लाई में कई बार बेंटन क्लासिक की सीरीज में देखने को मिला। बेंटन क्लासिक के खत्म होने के साथ ही स्टिंग फ्लाई में बेंटन एलियन फोर्स और यहाँ तक कि बेंटन अल्टीमेट एलियन से स्किप कर दिया जाता है, पर वापस से स्टिंग फ्लाई में तब दिखता है जब बेंटन क्लासिक का बैंक बेंटन अल्टीमेट एलियन के फोर्स ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में दिखता है। और इन सबके बाद स्टिंग फ्लाई में बेंटन ऑमनिवर्स में दिखता है, जहाँ पे उसके लुक में थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं। और बेंटन ऑमनिवर्स में हमें स्टिंग फ्लाई का कुदरती शिकारी भी दिखाया जाता है जिसका नाम बिग लिजर्ड होता है और वो भी लेपरोड्रॉप्टर पे ही रहता है। इन सबके बाद स्टिंग फ्लाई में फ्यूचर में दिखता है बेंटन 1000 के पास, जहाँ पे उसका लुक थोड़ा सा चेंज होता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है स्टिंग फ्लाई। तो ये थी स्टिंग फ्लाई की पूरी ओरिजिन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो पे लाइक जरूर करना और स्टिंग फ्लाई के फ्रेंड्स अपनी स्टिंग पावर का यूज करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ को बेंटन के ऐसी किसी अमेजिंग लेन की ओरिजिन वीडियो में।